हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि जो मार्स मिशन किस उद्देश्य से भेजा गया है, ये कब पृथ्वी पर वापस आएगा, कितने डिस्टेंस को तय करेगा? अगर नहीं पता है तो जानने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल ट्रिलियन चॉइस स्टोरी। यहाँ पर मैं विनय कुमार स्पेस साइंस से रिलेटेड जो स्पेशल टॉपिक हैं वो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन था कि जो मार्स मिशन है वो किस उद्देश्य से भेजा गया है, तो उसका उद्देश्य है कि सूक्ष्म जीवों के अवशेष के प्रमाण को जुटाना तथा मार्स प्लैनेट की चट्टान को पहली बार धरती पर लाना, और धरती पर ला करके हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो ये पता करेंगे कि मार्स पर जीवन पॉसिबल है या नहीं। अगर हम पर्सीवरेंस रोवर की बात करें तो जो मार्स पर भेजा गया है जिजेओ क्रेटर पर जाकर के वो जीवन के प्रमाण की तलाश करेगा, और इस रोवर के साइज की बात करें तो एक कार के आकार का, इसमें एक कैमरा, माइक्रोफोन, ड्रिल और लेजर से ये युक्त है। और ये मिशन जो है 30 जुलाई को भेजा गया था और लगभग 7 महीने में मार्स पर पहुंचने की उम्मीद है, और ये 48 करोड़ किलोमीटर की जो डिस्टेंस तय करेगा। और जो क्वेश्चन था कि ये कब पृथ्वी पर वापस आएगा, तो पृथ्वी पर जो है 2031 में वापस आने की उम्मीद है। अब तक नासा जो है मार्स पर 8 मिशन भेज चुका है, लेकिन ये मिशन उसका सबसे खास मिशन है जो कि मार्स 2020 मिशन के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं क्या नासा मार्स पर जीवन तलाश कर पाएगा या नहीं। अगर कर पाएगा तब उस पर भी वीडियो आप लोगों को जरूर मिल जाएगी। तो देखते रहिए मेरा चैनल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।